हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। सो आज हम देखेंगे कि जो बिहार फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम जो जो दो शिफ्ट में हुआ था, उसमें कितने सीट थी, क्या कट ऑफ रह सकता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम डेट क्या होगा, रिज़ल्ट डेट क्या होगा। और रिज़ल्ट डेट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सो इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके। सो आज के वीडियो है बिहार फॉरेस्ट रेंजर के बारे में, जो कि आपका जो 17 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके बारे में। सो आइए देखते हैं कि जो पेपर हुआ था उसमें कितने फेजेज़ हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ पहले समझ लेते हैं। सो बिहार फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम होता है, जो भी आपके पुलिस सर्विस से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, ज़्यादातर जिसमें कि आपके स्टार होते हैं, 2 या 3 स्टार होते हैं, उसमें आपका BSSC लेता है, उसमें बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन लेता है। और उसमें टोटल जो इसमें रेंज ऑफिसर में थे, टोटल 43 सीट्स थी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम डेट था वो 17 जन 2021 था। और जो रिज़ल्ट डेट है वो लिखा हुआ है टेंटेटिव फरवरी 2021, बट वो फरवरी में नहीं आया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रिज़ल्ट डेट होगा वो कब है और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कब तक आने की संभावना है। सो आप बने रहिए हमारे वीडियो में आगे तक। सो जो आपका इसमें होता है रिटन टेस्ट का भी, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद होगा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल जो होता है आपका, ये जो लंबा प्रोसेस है थोड़ा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि 18 मंथ का टोटल ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो 18 मंथ में आपको जो कुछ पीरियड होता है, जो आपको फिजिक यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, साथ में आपको थ्योरेटिकल भी दिया जाता है, और साथ में कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भी घुमाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें और हमारे नेचर के बारे में समझ सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि आगे कट ऑफ क्या रह सकता है, जो कि हमारा अनुमान है, जो कि आप बिहार फॉरेस्ट रेंजर का जो इस साल का है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी में बांट दिया गया है, कुछ जहाँ फीमेल के बारे में नहीं दिया गया है, जहाँ ब्लैंक छोड़ा गया है, इसका मतलब वहाँ पर सीट जो फीमेल का था वहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है। सो यहाँ पे देखिए, तो जनरल कैटेगरी मेल की अगर बात करते हैं, तो जो कट ऑफ हो सकता है वो 79 to 81 जा सकता है, और जो फीमेल का है 72 to 74 जा सकता है। अगर हम EWS की बात करें तो EWS में 75 to 77 जा सकता है जो मेल कैटेगरी का है, और जो फीमेल का है वो 71 to 73 जा सकता है। अगर हम SC की बात करें तो SC का 72 to 74 और ST का 73 to 75 जा सकता है। अगर हम बात करते हैं EBC का, तो उसमें 76 to 78 जा सकता है मेल कैटेगरी में, और 71 to 72 आपका फीमेल कैटेगरी में जा सकता है। अगर हम बात करते हैं WBC में, तो उसमें 74 to 76 जा सकता है, और BC का बात करते हैं अगर हम, तो 75 to 77 जा सकता है। सो ये जो कट ऑफ है ये आपके वेरी कर सकते हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, जो कि 20,000 के अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि जो वहाँ अटेंडेंस जो हुआ है वो 20,000 के अप्रॉक्स है। और रिज़ल्ट आपको जानते ही हो कि आपको जो सीट है उससे आपको 6 गुना रिज़ल्ट देना है, तो इसका मतलब वही 260 के आसपास जो रिज़ल्ट का सिनारियो बन रहा है। अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम सीट होता है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन जो आगे के स्टेजेस के लिए होगा। सो इसके लिए कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ, ये जो बताया गया है ये एक्चुअल इतना जो है आप 90% पर रिलाई कर सकते हैं कि इतना अगर आपके सही हो रहे हैं सो आप आगे जाने वाले हैं। और आगे जाने का मतलब भी ये नहीं है, आगे भी और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे इंटरव्यू है उसमें 50 मार्क्स का है, जो कि आपके नंबर जुड़ेंगे। सो ये सिंपल सी बात है कि आपको आगे भी, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आगे भी आपको मेरिट लिस्ट में आने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। अगर आप में पर्सनालिटी अच्छी है, अगर बोलने की, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो बिल्कुल आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं औरों से। सो आइए, जिस चीज़ का सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट डेट क्या हो सकता है, जो कि सब अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ सोर्सेज और जो कि जो पटना PCS कार्यालय में काम करते हैं, जो कि वहाँ से ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपका होगा तो वो कार्यालय से, PCS कार्यालय जो पटना है वहीं से लेटर इशू होता है। तो हम जो देखते हैं कि हाँ, कि वहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से क्या कट ऑफ
डेट रह सकता है, सो जो सॉरी जो रिजल्ट डेट रह सकता है, तो रिजल्ट डेट जो आपका है वो आपका 20 से लेके 25 मार्च के बीच में आ सकता है रिजल्ट, जो कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी 95% है कि आपके होली से पहले आना ही है रिजल्ट को, क्योंकि उसके बाद आपको 1 महीने या 1 महीने 10 दिन का समय मिलेगा, जो हम बताया है हमारे जो जानने वाले हैं कि हाँ जो 1 महीना या 1 महीने 10 दिन के आसपास टाइम मिलेगा आपके इंटरव्यू के लिए, और मैक्सिमम मिल सकता है तो 1.5-2 महीने के आसपास मिल सकता है उसके अंदर में, क्योंकि इसी साल आपको ट्रेनिंग में भेजना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिक्रूटमेंट करके। सो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और जैसे भी हमें कुछ और सूचना मिलती है, कुछ और पता चलता है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आने वाले समय में जो वीडियो होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और आपका लाइक और आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।